लंपी वायरस इस समय अपना तांडव मचा रहा है, खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो क्षेत्र हैं इसमें लंपी वायरस ने काफ़ी पशुओं पर अपना धावा बोला और जिस तरह से पशुओं की मौत हो रही है ये शोषणीय और चिंता का विषय है, क्योंकि जो किसान होता है खास करके गायों से जुड़ा होता है और उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा किसान परेशान हैं इस लंपी वायरस से, और जिस तरह से लंपी वायरस तांडव मचा रहा है इससे सोचने वाली एक विषय है। हम इस समय गोरखपुर जिले में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भूपेंद्र प्रताप सिंह हैं। काफ़ी तारीफ हो रही है गोरखपुर में जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, गोरखपुर नहीं यूपी में जो मलेशिया मॉडल लागू किया गया है, यूपी में केस लगभग 8 केस आए हैं जिसमें गायों की मौत हुई हो, यूपी मॉडल को सब अपनाना चाहते हैं, चाहे कोरोना का समय हो चाहे ये लंपी वायरस का जो लंपी वायरस जो स्किन डिजीज है उसमें लोग यूपी मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं, यूपी मॉडल अपनाया जाए। और गोरखपुर की क्या स्थिति है, सरकार के गाइडलाइंस क्या हैं, सर से जानते हैं। सर आपका हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट पर स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर। जिस तरह से गायों की मौत हो रही है लंपी वायरस से और जिस तरह से आप लोगों ने एक सराहनीय काम किया है, वैक्सीनेट गायों को किया जा रहा है, सर कैसे ये थोड़ा लक्षण बताइए और किस तरह से ये बीमारी गायों पर अटैक कर रही है। देखिए लंपी डिजीज जो है एक वायरल डिजीज है और कोई भी वायरल डिजीज होगी जब तो उसमें जो है बुखार होना है या नाक से पानी आना, आँख लाल हो जाना और शरीर के ऊपर चकत्ते चकत्ते इसमें पड़ जाते हैं, इसलिए इसको लंपी डिजीज कहते हैं। या गोट पाक्स एक बकरियों की एक बीमारी है गोट पाक्स, उससे इसका वायरस मिलता जुलता रहता है। अभी लंपी वायरस की वैक्सीन मैंने प्रॉपर केवल इसके लिए नहीं बने लेकिन गोट पाक्स वाली वैक्सीन की इफिकेसी इस पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है वो गोट पाक्स वैक्सीन का ही हो रहा है। इस समय जो हमारे यहाँ जो बीमारी है वो केवल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में है, इधर जैसे अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, ये सब ज़्यादा प्रभावित, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हैं वो ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो चारों तरफ हो रहा है। पहले ऐसा था कि जहाँ पर ये वायरस जिसको बीमार कर दिया है उनको तो वैक्सीन नहीं लगेगी, लेकिन उससे 500 मीटर छोड़ करके और बाकी जो इलाके हैं उधर वैक्सीनेशन हो रहा है। अभी गोरखपुर में वैक्सीन नहीं आई है, केवल उसके बाद वो कवर कर रहे हैं केवल इसके लिए जो भी बॉर्डर वाले जिले हैं उसमें एक जिससे कि एक सुरक्षा घेरा बन जाए, कवच बन जाए, हाँ तो उसके लिए ये कर रहे हैं। और फिर उसके बाद से जो लखनऊ और कानपुर के पास जो है वो एक पट्टी सी बना रहे हैं, जैसे उस पट्टी से कि जो भी वायरस है वो पश्चिम यूपी में ही रह जाए, इधर ना आने पाए। और जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ रही है वो सब पर हो रहा है। अभी कल एक लेटर आया है ACS साहब का है, इसमें बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हैं और ACS साहब ने निर्देश दिया है कि आप मैंने हर एक ज़िले में नगर पंचायत के जिला पंचायत और नगर निगम जो है उसके घेरे में 10 किलोमीटर के रेडियस में और जितने नगर पालिका या नगर पंचायत हैं उनके 5 किलोमीटर के घेरे में वैक्सीन लगा दें। लेकिन अभी आई नहीं है, जैसे ही आएगा हम लोग इससे शुरू करें। अगर देखा जाए कोरोना की जैसी स्थिति थी, कंटेनमेंट जोन बन रहे थे, आइसोलेशन हमने शब्द सुना था, सर सबको अनुभव है, चाहे किसान हो, 2 साल का एक पीड़ा सबने झेला है, तो सबको वायरस से लड़ने की एक ताकत पता है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है गाय में जो लंपी वायरस आ रहा है यही एक कंटेनमेंट जोन बनाना, आइसोलेशन में ले जाना, लेकिन सर इससे एक कदम ज़्यादा ये है कि जो कोरोना वायरस होता था किसी व्यक्ति को एक रूम में आइसोलेशन में कर दिया जाता, लेकिन जब गायों को हो रहा है सर तो यही मेरा आपको जानना था कि जो छोटे बछड़े हैं और गाय दूध दे रही है तो क्या दूध पिलाने से भी उस जो बछड़ा है उसको हो सकता है। देखिए अब तक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार तो दूध पीने से कभी वायरस जो है ट्रांसमिट नहीं होता है और हम लोगों का जो है मैंने अपना संस्कार ऐसा है, यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हैं कि हम कच्चा दूध कोई नहीं पीता है, सब उबाल कर ही पीता है और अधिकांश वायरस जो है उबालने से पहले ही एक्सपायर कर मर जाते हैं और उनको डिजीज प्रोड्यूस करने की क्षमता कम खत्म हो जाती है। ये सर तो इंसानों की हो गई कि दूध गर्म पी के पिए, जो गाय लंपी डिजीज से वही कह रहे हैं कि दूध से ये नहीं ट्रांसमिट होता, उसके बच्चे को बछड़े को दूध से ही नहीं होता है तो वो संपर्क में तो जाएगा कम से कम।
सकता हूँ। हाँ, तो अगर उसको हुई रहेगी हाँ। तब तो संपर्क में रहेगा, तब तो होना है हाँ। लेकिन अगर नहीं हुई है तो दूध से कोई अंतर नहीं। सर, ये हम देखते हैं गांव में अगर गायों को कुछ हो जाता है तो लोग गेरुआ कुछ पोतने लगते हैं, देहात में लोग अपना अपना नियम लगाने लगते हैं। सर, जरा लक्षण बताइए कि कौन कौन से लक्षण हो तो किसान सचेत हो जाए, अपने जो पशु चिकित्सक है नज़दीकी उनसे संपर्क करे, क्या क्या लक्षण है सर, उपाय क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो भी लंपी डिजीज का जो लक्षण है उसमें शरीर के ऊपर पूरे चकत्ते चकत्ते बन जाते हैं, हल्का सा बुखार होगा और उसके बाद आँख नाक से पानी गिरना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ एलर्जी कंडीशंस भी हैं जिसमें भी ऐसा हो जाता है, तो लोग अमूमन कंफ्यूज कर जाते हैं और इससे जो है किसी प्रकार का वो घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसको जो है स्वस्थ जानवर जो हैं उनसे अलग कर दें, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें। और इस लंपी डिजीज में मोर्टिलिटी रेट बहुत ही कम है यूपी में हम जानते हैं कि 1% से भी कम है, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस साफ़ सफाई रखें। सर, गायों की अपेक्षा देखा जा रहा है भैंसों में ये कम है, क्यों, इसका कारण क्या है? जैसे भैंस में जो है मैंने प्रतिरोधक क्षमता कुछ ज़्यादा होती है, और जो गाय में उस भैंस की अपेक्षा कम होती है, और ये जो गोट वायरस इससे जो है लंपी डिजीज का वायरस जो है वो गोट से मिलता जुलता है, गोट पॉक्स वायरस से, तो ये जो है केवल कैटिल वाले में ही ज़्यादा प्रभावित होता है। सर, एक सवाल और है कि अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भैंसों को नहीं हो रहा है, गायों में ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं जो लक्षण, हाँ बहुत कम हो रहा है, लेकिन हो सकता है इम्यूनिटी पावर उनका मजबूत है वो ठीक है। ये भी देखा गया है कि जो देसी गाय हैं उनमें पावर ठीक है, वो ज़्यादा रिकवर हो रही हैं, जो क्रॉस ब्रीड वाली गाय हैं उनमें ज़्यादा वो उनकी मौतें हो रही हैं। सर, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं, एक एरिया बना रहे हैं बॉर्डर वाले क्षेत्रों में वैक्सीनेट कर रहे हैं, लेकिन शहरों में देखा जा रहा है झुंड के झुंड गाय कभी देखिए कहीं किनारे, सर क्या करें और थोड़ा उपाय उनके लिए भी बताइए क्या? जैसे शहरों में जो भी जानवर हैं माने उसमें देहाती क्षेत्र में तो 9 के बराबर हैं केवल, लेकिन शहर में भी कुछ हैं, और नगर निगम जो है, नगर निगम की यहाँ पर एक गौशाला है, वो नगर निगम के पास कैटल कैचर हैं, वो पकड़ करके ले जाते हैं। लेकिन इस समय लंपी से बचाव के लिए ज़रूरी है कि जो बाहर से जानवर हैं उनको नहीं, क्योंकि वहाँ पर 1200-1400 जानवर हैं, अगर किसी एक को भी किसान कंस हो गया तो वो भी ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें हमारे किसान भाई कि जो भी जानवर हैं उनको मैंने वहाँ न भेज करके अपने वहाँ अपने घर में ही सुरक्षित रखें। सर, ये क्या मक्खियों से भी होता है? ये लंपी वायरस का जो है वो मच्छर मक्खी और किलनी के द्वारा फैलता है, इसमें जो साफ़ सफाई होती है। अच्छा, सबसे बड़े चाहिए है कि अगर बाई दिवे जानवर कहीं बीमारी फैली हुई हो और वहाँ से जानवर आ जाता है, इसीलिए जो है जितने बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं और ये सब पुलिस वाले ये रोक रहे हैं कि कोई भी जानवर जिले में प्रवेश न करने पाए। तो सर, ये उपाय है कि आप कम से कम जो दूध गाय का ले रहे हैं उसको खौला कर पिए, और गाय के ऊपर सर देखा जा रहा है गांठ की तरह बन जा रहे हैं बड़े बड़े, जिसमें पस हो जा रहा है। तो जो वायरल डिजीज में जो भी इलाज होता है वो सिम्टोमेटिक ही होता है, अगर घाव हो गया है तो घाव का इलाज होगा, आँख से पानी आ रहा है तो आँख से ये इलाज होगा, और सामान्यतया ये है कि गाँव में भभूत और गेर और जो कह रहे हैं ये सब इसके ये अनावश्यक है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप वो तुरंत जो है वो अपने नज़दीक जी पशु चिकित्सालय वहाँ पर खबर कर दें और वहाँ से इलाज। सर, कोई दवा जो आप बता सकें प्रारंभिक चिकित्सा क्या किया जा सकता है? साफ जैसे जो भी वायरल डिजीज है कि कोई प्रॉपर चिकित्सा नहीं है, आप जो साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें, और ये जैसे गाँव में जो है छिड़काव नगर ग्राम पंचायत से हो रहा है, नगर निगम अपने यहाँ पर छिड़काव कर रहा है, गौशाला में हम लोग कर रहे हैं, और जिसका व्यक्तिगत है वो अपने घर का साफ सुथरा रखें। अगर बहुत ये कर सकते हैं कि नीम की पत्ती का धुआं करें, बस नीम की पत्ती का। हाँ सर, जो छुट्टा गायों को लोग खोल दे रहे हैं शहरों में, खूब घूम रही हैं गाय और लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं है कि किस तरह से लंपी परेशान कर रखा है, यूपी में वैक्सीनेट किया जा रहा है, बड़ी अच्छी योजना चल रही सर, सर इस पर प्रकाश नहीं, जैसे वायरस जो है अगर कहीं भी हो जाएगा और वो जो दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसको हो जाएगा, इसलिए हमारा पशुपालक भाइयों से अपील है कि ये अधिक से अधिक जो है अपने घर पर रखें, और अनावश्यक रूप से गायों को दूध निकाल करके लोग जो छोड़ देते हैं वो न करें।
और ऐसे रोग से बचाव के लिए वो अपने घर के आसपास जहाँ पर है वो गंदगी कतई न रखें उसको, जहाँ सामान्यतः ये होता है कि जो जहाँ जानवर रहते हैं उस पर कोई विशेष बहुत ध्यान नहीं देता है, उसकी सफाई लेकिन करें आप, क्योंकि वो आज बहुत जानवर जो है वो पहले ये था कि वो कम दूध देते थे और उनकी कीमत कम होती थी, लेकिन आज जो है वो जानवरों की कीमत बहुत ज़्यादा है और उसी पर अब देश की इकोनॉमिक टिकी हुई है, खास करके किसानों। हाँ तो ऐसे में जो है विशेष ध्यान दें इस पर कि ये लंपी वायरस को फैलने से रोकने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो ये 16वां लाइन है इसको जरा समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा, रोगी पशु के दूध को बछड़े को ना पिलाए और जो इस ऐसा अब तक जो है ये वो लंपी वायरस का जो वायरस जो है वो दूध के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है, लेकिन अगर जो बच्चा है अगर उसको जानवर को हुआ होगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, इसलिए निसंकोच होकर के और सब कुछ ये करें, बस साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। ये हम केवल किसान भाइयों से अपील करेंगे कि वो लंपी डिजीज को लेकर के और बहुत बहुत ज़्यादा ये क्या कहें पैनिक ना हो, क्योंकि इस बीमारी में मोर्टिलिटी बहुत ही कम है और अगर साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो ये वो जितना है वो भी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन जो मेरा खुद का है और हम कई पेपरों से देख रहे हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, सर गुजरात और ये जो राजस्थान का खास करके ये क्षेत्र है वहाँ ये स्थिति विकराल क्यों है, खास करके राजस्थान की स्थिति? देखिए ऐसा है कि कोई भी बीमारी जब नहीं होती है तो उसके बाद से फिर उसको कंट्रोल करने में कुछ टाइम लगता है, चूँकि वहाँ पर पहले ही हुआ था और उनको ये जानकारी उससे सबक लेकर के हमारे एसीए सर ने बहुत ज़्यादा ये किया और एक मैंने जोन बना दिया। आज हम जो है गोरखपुर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पर डे हम हर अस्पताल से मंगवाते हैं सूचना है कि कहीं ऐसा या लंपी डिजीज या इससे मिलता जुलता लक्षण तो नहीं है। सर कोई आप लोगों की तरफ से नंबर जारी किया गया हो जिस पे अगर कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं तो लोग कॉल करके आपके अधिकार? हाँ ये जो वहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल हैं, हमारे हॉस्पिटल हर ब्लॉक में ये दो या तीन हॉस्पिटल हैं और जो सेंटर्स हैं वो मैंने हर दो चार गांव के उस पर हैं, तो कहीं से भी अगर इस तरह का हो तो उसमें से किसी से ये कर सकते हैं और ब्लॉक के व्यू का नंबर हम लोग दिए हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी भूपेंद्र प्रताप सिंह सर। तो हमने जाना कि क्या है लक्षण, क्या है बचाव, सर ने सब कुछ बड़े डिटेल से बताया, समझाया, और क्यों आखिर तारीफ हो रही है यूपी मॉडल की, आखिर क्यों पश्चिम उत्तर प्रदेश से कोई 8 केस के बाद कोई और केस नहीं बढ़ा। तो सर से जाना कि किस तरह से जोन बनाए जा रहे हैं, किस जहाँ पर देखा जा रहा है कि लंपी वायरस के शिकार पशु हैं उससे 5 किलोमीटर के बाद सर वैक्सीनेट शुरू कर दिया जा रहा है। हाँ जो प्रभावित इलाके हैं उसको जो मैंने इपिक जोन मान करके और हम उसके बाद के कुछ एरिया छोड़ करके और बाकी में हम वैक्सीनेट कर रहे हैं और एक सुरक्षा घेरा बना रहे हैं जिससे कि बीमारी जो है वो पश्चिमी यूपी में ही रह जाए, यहाँ नहीं आए यहाँ पर जो। लेकिन इसी बीच में हम ये भी कर रहे हैं कि जैसे जो भी बॉर्डर के ज़िले हैं उनमें सुरक्षा घेरा बनाया जा रहा है और अब जो है ये और बाकी जगहों पर वो पहले नगर निगम और नगर पंचायत के चारों तरफ कर रहे हैं और उसके बाद से जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होती जाएगी वैसे वैसे और जगह होता जाएगा। तो सर ने सब कुछ बड़े डिटेल से बताया है पूर्वांचल पोस्ट पे, हम इसको पोस्ट करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे बचाव हो सकता है। तो सर ने सब कुछ डिटेल से बता दिया और सर का ये फोकस था कि जो गायें घूम रही हैं और जो शहरों में लोग दूध दूहने के बाद गायों को छोड़ देते हैं तो उन गायों को कम से कम जो बधी हुई गाय हैं उनसे दूर रखें, अपने घर रखें, उनको ना ले जाएं, क्योंकि वो वायरस है, एक जोन बनाया जा रहा है, अगर कहीं से वायरस आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा गायों को बांधें और सर ने जो भी कुछ बताया है, लक्षण बताया है, उपाय बताया, अपने तरफ से कुछ ना बताएं और जो कुछ लक्षण है जो कि सर ने पूरा इंटरव्यू में बड़े डिटेल से बताया है और जो कागजात मिलेंगे हम इसमें लगाने वाले हैं उसको आप देखिएगा, जो भी लक्षण मिले अपने जो भी नज़दीकी पशु चिकित्सक हो उनसे संपर्क करें और देखें कि गाय में क्या क्या लक्षण है, डॉक्टर से सलाह लें, अपनी तरफ से कुछ ना करें। और क्यों आखिर यूपी का मॉडल सराहा जा रहा है, सर से जाना किस तरह से जोन बनाया जा रहा है, वैक्सीनेट कैसे किया जा रहा है, तो ऐसी ही खबरें, संवेदनशील खबरें हम दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं और उनसे उन बीमारियों से संबंधित या उनसे संबंधित अधिकारियों से बात कराकर सब कुछ बड़े सरलता से हम आपको दिखाते रहते हैं। कैमरा संभालने अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।